सोलो चौपाटी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए लेक्चर के अंदर। ठीक है, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया होगा, यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि जैसे स्कूल मैगजीन्स हो गया, ये ऑलरेडी अपलोडेड हो गया, सी सी हो गया, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, तो इसका फुल लेक्चर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, और इवैल्यूएशन क्या होता है, कभी कभी ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, और वहाँ पे मैंने क्लियरली जो है वो मेंशन करी हुई है चीज़ें, और उसके बाद यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे 3 मार्क्स के अंदर ऑलरेडी कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने कंपाइल करके वैसे भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, पी वाई क्यू। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसके अंदर आपको लास्ट 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उस वीडियो को ध्यान से देखना। आपने दूसरा वीडियो देखा है जिसके अंदर आई थिंक 2 क्वेश्चन पेपर्स हैं, लेकिन वो दूसरा देख लो आप जिसके अंदर चाह रहे हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपन के ये रहने वाला स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे डिस्कस लाइव मोर्चा क्या है, स्कूल मैगजीन ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, लिटरेरी क्लब हो चुका है और डिबेट्स भी हो चुका है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और लिटरेरी अप्रिसिएशन अपन यहीं देखेंगे। ठीक है, और सी सी हो चुका है, वोकेबलरी इनरिचमेंट बाई राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, कैसे आपका जो वोकैब है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है या बढ़ावा होता है, किससे, जब अपन लोग शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, तो ये अपन देखेंगे यहाँ पे कैसे होता है। और रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट जो होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और इसका भी देखेंगे कि क्या क्या अपने को क्वालिटीज़ जो है, या क्या क्या जो परस्पेक्ट्स होते हैं वो अपने को देखने होते हैं, एस्पेक्ट्स देखने होते हैं किसी भी एक टेस्ट के। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, और क्यों रिव्यू ज़रूरी है। ठीक है, और नोट्स, ये नोट आया हुआ है। ठीक है, सजेस्ट ओपीडिया क्या होता है, तो अपन देखेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले जिन्होंने पी वाई क्यू नहीं देखे वो देख लो। ठीक है, उसका क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आपको लास्ट 4 ईयर्स के पी वाई क्यू आपको एक जगह पे मिलेंगे, समझ रहे हो ना आप। और दूसरा क्या है कि लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू मैंने कंटेंट उसी हिसाब से बनाया हुआ है कि जिस हिसाब से आपको मार्क्स की वेटेज आती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लाइव मोर्चा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले करो। ठीक है, ताकि आपको ना यहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का, अभी थोड़ा डिले हो गया था तो इसके कारण क्या हो गया, पूरे लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए। ठीक है, कल आपका एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो आपको टॉपिक अगर लगता है अभी भी कि अब इसका आपको नोट्स चाहिए तो अभी बता दो। ठीक है, मैं शाम तक उसका भी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा आपको, एक कंटेंट एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि कंटेंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन अभी इस टाइम पे आपको कंटेंट चाहिए होता है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हो एंड आपके पेपर के जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जब अपन यहाँ पे लेक्चर देखेंगे ना अपने, तो आपको ज़्यादा उधर उधर जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट मिलेगा। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बस अगर ये सेम भी आप लिख के आते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। ठीक है, आप मेरे को पूछ लेना बाद में आके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बिना डिले करे शुरू करते हैं। तो लाइव मोर्चा क्या होता है, ठीक है, तो आप सबने सुना होगा, आपके सेशनल भी था कि बी अ मेंबर ऑफ लाइव मोर्चा, है ना, और वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस करा आपने वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो लाइव मोर्चा, लाइव मोर्चा अब ये क्या है ना, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश आपको जो है या फिर बहुत सारी आपको लैंग्वेज लर्न करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखो इसका वेबसाइट कुछ इस प्रकार से है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस प्रकार से इसका कोई होम पेज है। ठीक है, ये लाइव मोर्चा, ठीक है, होम पेज आ गया इसका। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी जो है वो ये देखो, यहाँ पे लिखा है कितने ज़्यादा यूज़र हैं इसके। ठीक है, और यहाँ पे अपना अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो, और फ्री है। ठीक है, इसका जो बेसिक वर्जन होता है वो फ्री होता है, लेकिन जो इसका पेड वर्जन है उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट लाइक वीडियोस, लेक्चर्स, एक्सरसाइजेस, क्विजेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो, व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज, तो आई वुड लाइक टू लर्न, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तकरीबन इसमें 38 लैंग्वेज रहता है अपना, और यहाँ पे जो अभी दे रखा है दैट इज़ 17th दे रखा है, 17 लैंग्वेज दे रखा है। ठीक है, और नेटिव लैंग्वेज क्या है आपका, जैसे हिंदी, इंग्लिश, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लर्न कर सकते हो यहाँ पे, समझ आई। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने को क्या प्रोवाइड करता है, सर्टन प्रोविजन प्रोवाइड करता है या सुविधाएं प्रोवाइड करता है, किसके रिलेटेड, कि अपन जो है ना कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, समझ आई। तो अपन देखें ना इसका क्या है, लाइव मोर्चा जो है वो इज़ अ वेब बेस्ड ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यानी वेब बेस्ड मीन्स आपको ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑनलाइन होता है। ठीक है, आपको ऑफलाइन तो नहीं है कि घर पे बैठ के आपको जो है वो कहीं पे इंस्टीट्यूट पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन है। ठीक है, यानी डिजिटल मोड के थ्रू आपको जो है वो लैंग्वेज लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत सारी प्रोविजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मतलब वही आ गया जो सीखते हैं अपन, कंटेंट आ गया। ठीक है, स्पीकर्स के लिए टू इंटरेक्ट विद एंड हेल्प ईच अदर टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, यानी यहाँ पे अपन लोग दूसरों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जैसे इंग्लिश का नेटिव स्पीकर हो गया, जर्मन का नेटिव स्पीकर हो गया, यानी
जो उसको बोलते हैं, जिनका मदर टंग वही है, समझ आ रहा आपको? मतलब यहाँ पे ऐसा एरिया जहाँ पे वही लैंग्वेज प्रिवेलेंट है, सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो आप उनसे भी कंटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हो, लैंग्वेज जो है वो नई नई सीख सकते हो। और इट इज़ अ लर्निंग कम्युनिटी बेस्ड ऑन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिखोगे इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखोगे कि ये किसके बेस्ड है, इसका वाशिंगटन में हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना है, सीटल उन्होंने बनाया था, ठीक है, वहाँ पे उसके बेस पर एक क्या है, एक लर्निंग कम्युनिटी है, यानी समुदाय। कम्युनिटी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और एंड प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन 38 लैंग्वेजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू वेरियस यूजर्स ग्लोबली, ग्लोबली मीन्स वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख रखा है कि 195 टोटल कंट्रीज हैं, उनमें से सभी के सभी यहाँ पे सारे कहीं ना कहीं उनके सारे के सारे जो मेंबर्स हैं या उनके जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रजिस्टर्ड है, बस इतना याद रखना आप, ठीक है, बस ये रखना याद कि एक ऑनलाइन जो है वो वेब बेस्ड जो है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे कुछ ये अपने प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्री एसेस टू सम बेसिक लैंग्वेज लर्निंग एक्टिविटीज़, कुछ तो फ्री होती है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए प्रीमियम वर्जन आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि ये बेसिक जो वर्जन है ना, ये बेसिक लैंग्वेज जो लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपने को फ्री, लेकिन जो प्रीमियम वर्जन है उसके साथ अपने को एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, एक्टिव कोर्सेस प्रोवाइड करता है ये, जैसे यहाँ पे लिख रखी है कि कितने पर मंथ इसका वो जाता है, ठीक है, तो ये भी आप जो है वो कर सकते हो। उसके बाद देखो वेबसाइट लिख रखा है इसका क्या है, HTTP, ये आप लिख दोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें होती हैं जो आपको लिखनी होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर कहानी तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन आपको चाहिए क्वालिटी, एक तो ये लिखोगे आप, सीएटल लिखोगे कि सीएटल वाशिंगटन, ठीक है, उसके आधार पर है, ठीक है, वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर वहीं पर, और वेबसाइट क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी आप लाइन लिखोगे कि बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो अपने को फ्री मिलती है, लेकिन प्रीमियम वर्जन के साथ अपने को कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे वीडियो मिल जाती है, ठीक है, ऑडियो मिल जाती है, ठीक है, क्विजेज एक्सरसाइजेस मिलती हैं, समझ आया। उसके बाद आता है करंटली इट इज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज टू स्पीकर टू कम्युनिकेट विद नेटिव स्पीकर्स ऑफ न्यूमरस वर्ल्ड लैंग्वेजेस जो है, तो वहाँ पे भी आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि जो भी नेटिव स्पीकर हैं अदर लैंग्वेज के उनके साथ भी आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हो। और इट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप खोल के देखना उसको, ठीक है, खोल के देखना, आपको अलग अलग जो है वो छोटे छोटे यानी पैराग्राफ्स के अंदर आपको मिलेगा, जैसे एक यूनिट मिलेगा उसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको बेसिक जो वकैब होती है जैसे सिमिलर जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है वो आपको सिखाई जाती है पहली, फिर सेकंड आ जाता है, फिर थर्ड, ऐसे यूनिट करके आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल देखने को मिलता है यहाँ पे, एंड फॉलोड बाई एक्सरसाइजेज होती हैं, क्विजेज होते हैं, ठीक है, जिससे आपका क्या होता है कि आपने कितना सीखा उसको असेस किया जाता है, समझ आई। एक्सरसाइजेज होती हैं यानी जैसे आपने कंटेंट पढ़ा, ठीक है, कंटेंट पढ़ने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी होती हैं, क्विजेज होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपका पता चलता है कि आपने कितना सीखा, बस इतना याद रखना। और मोस्ट एक्सरसाइजेज एम्प्लॉय द यूज ऑफ ऑडियो वीडियो एंड रिटन टेक्स्ट, जैसे वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज, न्यू वर्ड्स फ्रेजेस, ठीक है, और ये प्रेजेंट किए जाते हैं वहाँ पे आपको किसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग इमेज के साथ, जैसे वहाँ पे अगर बोलने ऐसे लिखा हुआ है कि कोई चल रहा है तो उसको जर्मन में क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे ना चलने वाली पिक होगी, क्या होगी, चलने वाली पिक होगी किसी की, ठीक है, कुछ किसी इंडिविजुअल की, वो आपको दिखाएंगे, और उसके साथ यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा या फिर जर्मन में लिखा होगा तो आप उससे अच्छे से समझ जाओगे। तो ये लिखा हुआ है कि जो भी आपको वोकैब प्रेजेंट की जाती है या न्यू वर्ड्स प्रेजेंट किए जाते हैं या फ्रेजेस, वो आपको किसके साथ किए जाते हैं, विद कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस, मतलब उसी की इमेज के साथ, जैसे मैंने आपको बताया वॉकिंग को जर्मन में क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग को गुटन मॉर्गन बोलते हैं, समझ आया। तो उसके साथ ना क्या होगा कि वहाँ पे आपका इमेज लिखा इमेज बना रहता है उसका, कॉरस्पॉन्डिंग इमेज यानी उसी वर्ड का, उसी वोकैब का, ठीक है, और जिससे क्या होता है कि आपका जो रिटेंशन है वो बूस्ट हो जाता है, जब आप देखते हो ना, अच्छा वो बंदा चल रहा था उसके सामने जर्मन में लिखा रखा था ऐसे करके कि वॉकिंग का जर्मन में लिखा रखा था, तो आपको आसानी हो जाएगी सीखने में, ठीक है, आपका रिटेंशन जो है वो यानी याद रखने का जो है वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो लाइव मोचा स्लोगन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है, कि क्रिएटिंग अ वर्ल्ड इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग इज फ्लुएंट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को ना ऐसा वर्ल्ड बनाना है, ऐसी दुनिया बनानी है कि जहाँ पे हर एक आदमी सिर्फ एक लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है पर मल्टीपल लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। मतलब फ्लुएंटी क्या होती है, यानी फ्लुएंसी, इसमें होता है कि आपकी स्पीड कितनी है बोलने की, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, फ्लुएंसी क्या होती है कि बोलने की स्पीड जो है, तो मतलब इनका मेन मोटिव क्या है कि अपने को ना हर एक इंडिविजुअल को ना, हर एक ह्यूमन बीइंग को ना इतना फ्लुएंस बनाना है, लेकिन एक लैंग्वेज के अंदर नहीं, हर एक लैंग्वेज के अंदर, यानी मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर, एक से ज़्यादा लैंग्वेज के अंदर, समझ आया। तो ये इनका क्या आ गया, इसके बारे में आप लिख दोगे, और 3 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है। अब इसके यूजर्स क्या क्या हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, कितनी लैंग्वेजेस के अंदर प्रोविजन है, ठीक है, और इसका होम पेज कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये भी आप इसे छोटा सा बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है ये,
ऐसे करके बना सकते हो कि व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट टू लर्न, और नीचे आई वुड लाइक टू लर्न, और उसके नीचे सेलेक्ट लिख दो। ये इसका आप एक छोटा सा जो है वो, यानी क्या बोलते हो उसको, अपन लोग इमेज बना सकते हो, ठीक है, डायग्राम बना सकते हो। उसके बाद देखो यूजर्स क्या क्या है इसके, तो जो ऊपर बताया मैंने आपको, अब यूजर्स बताने पड़ेंगे क्या, चलो सुन लो क्या बोलता है कि सबसे पहले देखो प्रैक्टिस लैंग्वेज, ये कर सकते थे ना अपन, प्रैक्टिस कर सकते थे ना, जब अपन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ना तो अपने को भाषा चूज करनी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। फ्री एसेस टू बेसिक लैंग्वेज कोर्स मैंने बताया कर सकते हैं, फ्री वर्जन में आपको कुछ बेसिक एसेस जो होती है वो मिल जाती है, कुछ बेसिक कोर्सेज की, ठीक है, जो बेसिक जैसे हमारा डे टू डे लाइफ के रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको असेस मिल जाती है। लेकिन आपका अगर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट चाहिए, लाइक वीडियो कोर्सेज चाहिए या फिर जो एक्टिव कोर्सेज होते हैं, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लुएंसी आपका इंप्रूव होता है, यस होता है, जब आप डे बाई डे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और दूसरा ये है भी क्या है, वेब बेस्ड है, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा जब आपके साथ दूसरे लोग इंटरेक्ट करेंगे, यानी नेटिव स्पीकर दूसरी लैंग्वेज के, तो उससे क्या होगा आपके अंदर मोटिवेशन बिल्डअप होगा और आप जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे, ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे टुवर्ड्स लर्निंग, समझ आया। अब देखो डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यस प्रोफिशिएंसी मींस आपका जो क्षमता है बोलने का, ठीक है, जो भी आपकी लैंग्वेज स्किल्स होती हैं चार, ठीक है, रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग ये सारी, वो भी आपका क्या होगा उसमें भी विकास होगा। असेस टू न्यूमरस लैंग्वेज, यस बहुत सारी लैंग्वेज आप जो मन कर रहा है सीख सकते हो। लर्न फॉरन लैंग्वेज विद नेटिव स्पीकर, वही आ गया कि जो फॉरन लैंग्वेज के स्पीकर होते हैं, ठीक है, उनके साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, तो इससे क्या होएगा, क्या होएगा आपको अच्छे से समझ आएंगी, उनका आप कल्चरल समझ सकते हो, ठीक है, यानी क्रॉस कल्चरल कॉम्पिटेंस, जब आप उनका कल्चर समझ सकते हो कि कैसे बोला जाता है। अपन ने देखा होगा अपन जो इंग्लिश बोलते हैं, इंडियन इंग्लिश टोटली डिफरेंट इन असेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, जो दूसरे कंट्रीज की इंग्लिश होती है, जैसे आपने देखा होगा अमेरिकन इंग्लिश की टोटली असेंट जो है वो अलग है, तो उससे क्या होगा अपन क्रॉस कल्चर जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो भी बिल्डअप होंगी हमारी, समझ आई, जो अपना बोलने का तरीका है। तो जब आप जैसे आपकी दूसरे किसी नेटिव स्पीकर से बात कर रहे हो, ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या सीखोगे आप, उससे क्या सीखोगे कि वहाँ पे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, वर्ड्स को, वो भी अपन लोग यहाँ पे सीखते हैं। तो इसीलिए क्या होगा क्रॉस कल्चर कॉम्पिटेंसेस, यानी कॉम्पिटेंसेस का सिंपल मीनिंग की बात करें तो कॉम्पिटेंस होता है कि अपने आप को एडजस्ट करना, ठीक है, मतलब उसी के हिसाब से अपने आप को रेडी कर लेना जो दूसरी कंडीशन आपको बोल रही है, ठीक है। और उसके बाद ट्रैक लर्निंग, लर्नर्स की प्रोग्रेस भी ट्रैक होती है कि आपने जैसे एक क्विज दिया तो आपके कितने मार्क्स आए, सेकंड क्विज दिया तो कितने, तो आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक कर सकते हो कि मैं अपन कुछ ज़्यादा सीख रहा हूँ कि कम हो रहा हूँ, समझ आया। प्रोवाइड लर्नर विद स्पीकिंग राइटिंग लिसनिंग एटसेट्रा एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये इसके यूजर्स या इंपॉर्टेंस के अंदर आप लिख सकते हो, समझ आया, अगर इंपॉर्टेंस आ जाता है तो ये लिख सकते हो। और आप एक्सप्लेन तो आप खुद कर लोगे, जैसे स्पीकिंग कैसे बढ़ रहा था अपना, तो अपन जब इंटरेक्ट करते हैं विद द नेटिव स्पीकर के साथ तो अपना क्या होगा, अपना क्या होगा, स्पीकिंग स्किल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। राइटिंग जस जैसे आपको एक्सरसाइज दे दिया कि इसको आप लिखो, ठीक है, कि इसके ऊपर आपको, जैसे कि आपको दे दिया कि एक ऐसे लिखो जर्मन लैंग्वेज के अंदर, अब आपने जर्मन लैंग्वेज सीखा तो आपको ऐसे लिखने को बोला, तो आप राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, यस होगा। लिसनिंग होगा, यस यस यस, जैसे आपकी इंटरेक्ट कर रहे हो किसी नेटिव स्पीकर से, आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, वो बोलेगा तो आप सुनोगे, तो आपका लिसनिंग स्किल जो है वो भी डेवलप होगा, समझ आया। तो ये इसके आप यूजर्स वगैरह लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आया था कि स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, तो बहुत आसान है, आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। और इन्होंने पूछा था कि स्ट्रेटजीज फॉर स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपके सिलेबस में आई थिंक, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपने यहाँ पे लिखा हुआ। 12 मार्क्स में अगर आ जाता तो कोई बात नहीं, करने की डरने की बात नहीं, ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो इसको आपने पहले ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इसका फ्लो चार्ट बनाना एक, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, जो ये जो इनका मैंने फॉन्ट का जो कलर रेड है, ठीक है, तो इसको आपको क्या कर देना है, इनको पहले एक साइनोप्सिस बनानी है, ठीक है, ऊपर लिख देना स्ट्रेटेजी फॉर स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। फिर उसके नीचे क्या आप करोगे कि सारों का इन सभी के जो मेन मेन पॉइंट्स है ये लिख दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर देना, तो आपका काफ़ी लंबा आंसर बन जाएगा 12 का क्या, फिर आपको 15 मार्क्स का भी आ जाएगा तब भी आप कर लोगे। अब देखो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें ना, स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन आप कैसे याद रख रहे हैं कि शुरू में क्या होता है, देखो शुरू में क्या होता है आपको ना लैब के अंदर देखा होगा आपने, लैब के अंदर जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो टीचर क्या करता है, टीचर क्या करता है पहले आपको वो पूरा डेमोस्ट्रेशन करता है उसका, ठीक है, फुल सपोर्ट देता है आपको कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। फिर क्या होता है कि सेकंड टाइम क्या करता है, सेकंड टाइम आपको बोलता है, वो आपको बोलता है कि अब आप करो इसको, आप करते हो, और जहाँ पे आपको लगता है आप नहीं कर पाते तो आपको वो सपोर्ट करता है प्रोवाइड, समझ आया, सपोर्ट देता है ना आपको, गाइडेंस देता है कि नहीं बच्चे आप यहाँ पर गलत कर रहे हो, इसको ठीक करो, ठीक है, तो फिर आपको गाइडेंस मिली। लेकिन जब तीसरी बार करता है तो आप जो है वो इतने ज़्यादा कंपिटेंट हो चुके हो कि आप अभी खुद कर सकते हो, तो क्या टीचर को यहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, टीचर की सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, नहीं है। तो इसी को अपन स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कि स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि एक इंस्ट्रक्शन देने का ऐसा टेक्निक होता है, मेथड होता है टीचिंग का, जिसमें क्या होता है कि टीचर जो है इनिशियली, इनिशियली मतलब शुरू में आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन
देगा, क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शन इन दी फॉर्म आपकी गाइडेंस करेगा, आपको गाइड करेगा कि आपको ऐसे करना है। और जैसे जैसे आप स्किल जो है वो आपके अंदर डेवलप हो जाती है, यानी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देना बंद कर देता है। बस इतना याद रखना, समझ आया, कि जब आपके अंदर प्रोफिशिएंसी आ जाती है उस चीज़ की, आप उसमें बिल्कुल एबल हो जाते हो, तो टीचर आपको कोई भी ज़्यादा और गाइडेंस या सपोर्ट नहीं देगा, फिर आप अपने दम पे करोगे। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन। बस अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, इट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज टू मूव स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिवली टूवर्ड्स स्ट्रॉन्गर अंडरस्टैंडिंग एंड अल्टीमेटली ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। अब देखो क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है। कैसे, कि जब अपन एक स्टूडेंट जो अब मूव करता है, प्रोग्रेस करता है यानी किसी भी स्किल में सीखने में। अब इंग्लिश की बात हो रही तो अपन इंग्लिश के रेलिवेंट में बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश जब वो कोई स्किल डेवलप कर रहा है, तो जिससे क्या होगा कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर जैसे जैसे वो स्किल्स डेवलप होती जाएगी, ठीक है, और उसको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी, ठीक है, और अल्टीमेटली एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, यानी लास्ट में उसके अंदर वो स्किल जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा। समझ आया? अब देखो यहाँ पे ये तो डेफिनेशन इसका प्रॉपर नहीं बना, ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन है कि स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कि यहाँ पे इनिशियली क्या करता है, टीचर प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक गाइडेंस देता है, टेम्पलेट्स हो गया जैसे ऑलरेडी कोई बनी बनाई चीज़ें, आउटलाइन दे देता है कि बच्चों आपको ऐसे करना है, रिसोर्सेज फॉर्म है जैसे कोई मैनुअल प्रोवाइड कर दिया कि बच्चों मैनुअल देख लो, ठीक है, और ग्रेजुअली क्या करता है, टीचर रिमूव द गाइडेंस एंड सपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेजुअली मतलब स्लोली स्लोली करके टीचर जो है वो रिमूव कर देता है, यानी सपोर्ट करना या गाइडेंस करना बंद कर देता है जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है और एफिशिएंट बन जाता है। समझ आई? यही बात मैंने ऊपर आपको बोली थी। एंड मोर कॉम्पिटेंट इन आर हिज स्किल्स, मतलब जैसे वो अपनी स्किल के अंदर फुली कॉम्पिटेंट हो जाएगा, प्रोफिशिएंट हो जाएगा, फिर जो है वो अपन यानी टीचर जो है वो उसको बिल्कुल ही गाइडेंस और सपोर्ट नहीं देगा। तो स्लोली स्लोली जैसे जैसे बच्चा सीख रहा है ना, तो वो उसको इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस देना कम करता रहता है, और लास्ट स्टेज तक जैसे बच्चा फुली कॉम्पिटेंट हो जाता है, यानी फुली प्रोफिशिएंट हो जाता है, तो आप उसको बिल्कुल ही बंद कर देते हो गाइडेंस करना या सपोर्ट देना। समझ आई? इसी को अपन स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब देखो, एंड वंस द लर्नर फुली डेवलप्ड इन आर हिज, मतलब अपनी स्किल्स के अंदर जब वो फुली विकास हो जाता है उसके अंदर स्किल का, किसके अंदर, बच्चे के अंदर, तो टीचर जो है वो विल प्रोवाइड नो मोर इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस टू द लर्नर। बस ये सिंपल लाइन के अंदर लिख रखा है। एंड दस एसआई हेल्प्स लर्नर को डेवलप करता है टू डेवलप देयर कोग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक, अफेक्टिव यानी इमोशनल, साइकोमोटर, ये वही आ गया। साइकोमोटर किसके रिलेटेड होता है? एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, ठीक है, जैसे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर आपने पढ़ा होगा, अगर लेक्चर नहीं देखे देख लो, लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। समझ आया कि इससे बच्चे के अंदर ना अपना विकास हो जाता है, बच्चा अपने दिमाग उसके अंदर इतनी काबिलियत आ जाती है कि वो खुद से करना सीख जाता है, ठीक है, और तीनों तरीके से, यानी उसके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाती है, कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, इंटेलेक्चुअल, बुद्धि, ठीक है, और साइकोमोटर, जैसे फाइन मोटर क्या होते हैं, आप राइटिंग करते हो तो इसके अंदर क्या लगते हैं मुझे ये बताओ, फाइन लगते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल लगते हैं? तो इसके अंदर क्या लगते हैं अपने, फाइन लगते हैं, क्योंकि लिखने में देखा होगा आपने बचपन में, क्या आप ऐसे लिखते थे जैसे आज लिखते हो? नहीं। लेकिन ग्रास की बात करें तो ग्रास अपने लगते हैं जो लार्ज एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आप प्ले कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, रेस लगा रहे हो। समझ आया? उसके बाद देखो, दी एसआई यानी जो अपना स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन है, कैन बी प्रोवाइडेड फॉर लिसनिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं अपन इसको, जैसे कि बच्चे को जो है उसकी अगर लिसनिंग स्किल डेवलप करनी है तो अपन वहाँ पे भी उसको गाइडेंस और सपोर्ट दे सकते हैं, स्पीकिंग में, राइटिंग में, और राइटिंग दो बार लिख रही होगा, ठीक है, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग होगा यहाँ पे, ठीक है, रीडिंग टास्क में लिख दो यहाँ पे आप इसको करो, ये राइटिंग टास्क हो गया, एंड यहाँ पे रीडिंग लिख दो, ठीक है, क्या लिख दो, रीडिंग लिख दो, यहाँ पे रीडिंग लिख दो, ठीक है, और टास्क टू इम्प्रूव द लिंग्विस्टिक स्किल्स ऑफ अ लर्नर, ये वही आ गया, ठीक है, कि जो स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन है वो हम अपन हर एक स्किल के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है, ताकि उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है बच्चे की वो डेवलप हो। एंड एसआई इज एन इफेक्टिव टूल टू मेक लर्नर मोर इंडिपेंडेंट इन लर्निंग एंड एफिशिएंट इन देयर स्किल्स, वही आ गया ना, देखो बच्चा क्या होगा जब अपन उसको कम करते जाएंगे ना सपोर्ट और गाइडेंस, तो फिर बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हर चीज़ अपने आप कर पाएगा। समझ आया कि नहीं? अब देखो जब अपन क्या करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, अपन जब इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो अपने को फुल सपोर्ट चाहिए होता है, टीचर का फुल गाइडेंस चाहिए होता है कि अपने को कैसे करना है, लेकिन एक टाइम के बाद अपन क्या हर टाइम उससे गाइडेंस लेते हैं क्या? नहीं, जब अपन के अंदर वो सारी स्किल डेवलप हो जाती हैं तो अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और टीचर भी क्या करते हैं, गाइडेंस सपोर्ट नहीं देते, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन। और वही लिखा है कि जब तक वो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता,
ठीक है, या फिर एक इफेक्टिव टूल है, प्रभावी टूल है बच्चे को या लर्नर को इंडिपेंडेंट बनाने का इन लर्निंग एंड एफिशिएंट इन देयर स्किल्स, समझ आया, यानी प्रभावी बनाना अपनी स्किल्स में उसके अंदर जो कौशल है। सो एज सम लर्नर्स नीड मोर सपोर्ट देन अदर्स एंड सम नीड टू बी सपोर्टेड फॉर लॉन्गर देन अदर्स, समझ आई, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लिख क्या होगा इसको, देखो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कुछ बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, क्या सबका कैप्चर करने का जो पावर होता है वो सेम होता है, जैसे मैं कुछ अभी बोल रहा हूँ तो कुछ बच्चों को तो प्रॉपरली एक लाइन के अंदर समझ आ रहा होगा, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको एक बार ही जो है वो सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ आ रही होंगी, लेकिन कुछ बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे पहले, अच्छा जब मैंने दो तीन बार बोला फिर समझ आया होगा। तो वही आ गया कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लर्नर्स होते हैं जिनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है और दूसरों से, दूसरों के बजाय, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा देर तक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है, फॉर लॉन्गर देन अदर्स, ठीक है, समझ आया। जैसे आपने देखा होगा क्लास के अंदर मैं कभी कभी क्या होता है, टीचर देता है मैथ के क्वेश्चन देता है, एक बच्चा होता है वो जल्दी निकाल लेता है, दूसरा भी जल्दी, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको फिर भी समझ नहीं आती, समझ आई, तो मतलब उनको ज़्यादा देर तक जो है वो गाइडेंस एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। लेटर दिस इनेबल द लर्नर टू यूज़ देयर लर्निंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट्स, मतलब अलग अलग फिर कंटेक्स्ट क्या होता है, संदर्भ में, यानी बाहर वो फिर अपनी अपनी ये जो उन्होंने सीखा तो इसको बाहर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। सो SI सिंपली मींस क्या हो गया कि ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे ये बताओ इस लाइन का मतलब क्या हो, देखो इस लाइन का मतलब क्या कहता है आपसे, क्या कहते हैं कि अपन क्या करते हैं ना कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, गाइड करना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली रिमूवल कर रहे हैं किसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते अपन जो टीचर होता है वो फुली यानी बिल्कुल ही उसको सपोर्ट नहीं करता, फुली रिमूवल हो जाता है गाइडेंस एंड सपोर्ट का, बस इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी स्लोली स्लोली कम कर दिए जाते हैं यहाँ पर सपोर्ट करना और गाइड करना किसको, बच्चे को, और एंड तक क्या हो जाता है, जीरो सपोर्ट एंड गाइडेंस, बस यही इसका मतलब हो गया सिंपल भाषा में। उसके बाद सपोर्ट कैन बी कंटेंट हो सकती, मतलब किस किस फॉर्म में हो सकती है, सपोर्ट कैन बी फॉर किस किस के लिए हो सकती है, कंटेंट यानी अपन जो पढ़ा रहे हैं, प्रोसेस जब अपन गतिविधि कर रहे हैं कोई, और लर्निंग स्ट्रेटेजीज जो पढ़ाने का तरीका है अपना, ठीक है, मतलब अलग अलग फॉर्म में अपन दे सकते हैं, जैसे बच्चे को हाई क्वालिटी कंटेंट दे दिया, ठीक है, जब अपन पढ़ा रहे हैं हो सकता है एक बच्चा था उसको समझ ना आया तो उसके हो सकता है उसको सेपरेटली पढ़ाएं, ठीक है, और लर्निंग स्ट्रेटेजीज जो टेक्निक अपन यूज़ कर रहे हैं, समझ आया। अब देखो यहाँ पे, यानी प्रोसेसेस के अंदर और क्या क्या आ जाएगा, एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं अपन से, बच्चों से अलग अलग एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ करवाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजीज़ फॉर स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज़ होती हैं स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन, किसके अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा की बात हो रही है, क्योंकि आपका किसका पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश का, तो कहता है कि अपने को ना जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करनी है ना तो ऐसी चीज़ें से स्टार्ट कर रहे हैं जिसके बारे में बच्चों को थोड़ी सी ऑलरेडी जो है उनके पास ज्ञान है उस चीज़ के बारे में। फिर से सुनो क्या बोला मैंने कि ऐसा अपने को स्टार्ट करना है टॉपिक जिसके बारे में ऑलरेडी बच्चों को ज्ञान है, ताकि वो कनेक्ट कर पाएं जो भी उनका पूर्व ज्ञान है उसको आज के ज्ञान के साथ, समझ आई, और एक बिल्ड कर लें फाउंडेशन फॉर न्यू लर्निंग, बस इतना याद रखना। यही लिखा है, बिगिन द टॉपिक हैविंग सम प्रीवियस नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को जिसका क्या है पूर्व ज्ञान है, ताकि बच्चे जो है वो ईजिली कनेक्ट कर पाएं अपने पूर्व ज्ञान को आज वर्तमान ज्ञान के साथ, ठीक है, और एक फाउंडेशन जो होती है, ठीक है, नींव जो है वो रखी जाए फॉर न्यू लर्निंग, बस इससे साधारण और इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखो मॉडलिंग क्या होता है, मॉडलिंग मींस डेमोस्ट्रेट करना, ठीक है, द डिजायर स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन हो गया तो उसको भाई प्रॉपर तरीके से, मॉडल वगैरह आपने सुना होगा नाम, ठीक है, मॉडलिंग करना, ठीक है, मतलब डेमोस्ट्रेशन करना, ठीक है, अगर कोई डिजायर स्किल अपने को उसके अंदर बिल्ड करनी है, जैसे प्रोनाउंसिएशन स्किल डेवलप करनी है तो उसी के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा फोकस करो, समझ आई, वो कैब को साइड पे रखो, बस प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करानी तो अपने को क्या करवाना पड़ेगा, उनसे रीडिंग करवाना पड़ेगा, समझ आया। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज आ गई, ठीक है। उसके बाद कहता है कोलाबोरेशन एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करवाओ, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ जैसे जिसमें ग्रुप में, कोलाबोरेशन क्या होता है, सहयोगी, यानी आपस में मिलके जो अपन कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो जिससे क्या होगा बच्चे का जो बहुत सारी स्किल्स डेवलप होंगी, जब अपन ग्रुप में कोई ग्रुप बना देते हैं बच्चों के, फिर उनके बीच में कंपटीशन करवा दो, ठीक है, उनके बीच में डिस्कशन करवा दो कोई, तो उससे भी क्या होगा बच्चे के अंदर सारी स्किल का विकास होगा कि नहीं होगा, होगा जी। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, प्रमोशन ऑफ एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेशन, यानी सॉरी एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी हर एक बच्चा जो है वो एक्टिवली जो है वो हर एक चीज़ में भाग ले, एंड कोलाबरेशन, इसको प्रमोट करना है,
फॉर एग्जाम्पल ग्रुप वर्क दे दो, रोल प्लेज हो गया, गेम्स ठीक है, डिस्कशन ग्रुप्स हो गए, ये बना दो। सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन, अब देखो अपने को ना जब भी चीज़ पढ़ानी है ना उसको एकदम सिंपल तरीके से पढ़ाना है, यानी जो कंटेंट अपने को प्रोवाइड करना है ना वो सिंपल होना चाहिए, यानी अगर आपके पास कम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसको ब्रेक कर दो ना सिंपल में, ठीक है। और ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करो एक्सप्लेन करने में, इससे क्या होगा बच्चा आसानी से सीखेगा। फीडबैक एंड करेक्शन, देखो अगर कहीं पे बच्चा गलती करता है ना अपने को उसी टाइम उसको फीडबैक देना है कि बच्चा तुम यहाँ पे गलत हो, इसको इम्प्रूव करो। अगर बच्चा कहीं पे गलत प्रनाउंस कर रहा है उसको ठीक करो, ठीक है। तो ये भी अपना स्ट्रैटेजीज रहता है फॉर स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन। अब देखो अब अपना फीडबैक उसको क्या एंड तक देंगे, नहीं देंगे, जैसे ही उसकी स्किल जो है वो प्रोफिशिएंसी हो जाएगी अपन फीडबैक देना बंद कर देंगे। जो नेगेटिव फीडबैक जा रहा था अब तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा उसको। करेक्शन अपन कब तक करेंगे, जब तक कि वो फुली प्रोफिशिएंट नहीं हो जाता, समझ आया। तो इट इज़ आल्सो ए स्ट्रैटेजी फॉर स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन। अब देखो ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सपोर्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे बच्चा सीख रहा है उसके बाद अपना जो भी आप उसको गाइडेंस एंड सपोर्ट दे रहे हो उसको रिमूव करते रहो स्लोली स्लोली, और एंड तक पहुंचते पहुंचते बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आप उसको कोई भी सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बिगिन विद गाइडेड प्रैक्टिस एंड ग्रेजुअली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस लर्निंग, ये वही आ गया। ऑटोनोमस मतलब अपने खुद के दम पे वो सारी चीज़ें करेगा अब और इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। शुरू किससे करना है, गाइडेड प्रैक्टिस से, मतलब उसको फुली सपोर्ट फुली गाइडेंस देनी है शुरू में, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे वो सीखता जाएगा तो अपने को ना वो उसको जो सपोर्ट और गाइडेंस दे रहे हो वो बंद कर देनी है, कम कर देनी है, और एंड तक तो बंद हो जाएगी। फिर लैंग्वेज सपोर्ट टूल का यूज़ करो, जैसे डिक्शनरीज हो गया, वर्ड बैंक्स हो गए, इनका यूज़ करो ताकि बच्चा जो है उसका वकैब भी रिच हो, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेटेड स्किल अप्रोच, अपने को जब भी पढ़ाना है ना तो इस तरीके से पढ़ाना है, इस तरीके से इंस्ट्रक्शन या स्कैफोल्डिंग करनी है कि सारी स्किल्स कवर हो अपनी, यानी इंटीग्रेट कर दो, एकीकृत कर दो, किसका, लैंग्वेज स्किल्स का, जो भाषाई कौशल है, जैसे अपना क्या आता है लिसनिंग आता है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सबका, ताकि होलिस्टिक लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चा जो है वो फील करे, समझ आई। एक्सपीरियंस क्या होता है, किस चीज़ को फील करना, यही होता है ना, जैसे मैं आपको कहीं रियल लाइफ के अंदर मतलब एक्सपीरियंस करना, ये आप सबको पता है, ठीक है, मतलब आपको रियलिटी लगे कि हाँ ठीक है होलिस्टिक लैंग्वेज एक्सपीरियंस करे वो। उसके बाद देखो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर कोई बच्चा है उसके सीखने की क्षमता कम है या उसको बेचारे को समझ कम आता है तो अपने को ना जो कंटेंट है ना या जो स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन अपन दे रहे हैं ना उसी के हिसाब से देनी है, समझ आई। यानी प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस अकॉर्डिंग टू द डाइवर्स नीड्स एंड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऑडियो विजुअल यानी ऑडियो एड से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ होते हैं विजुअल एड से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ तो ओरली भी जल्दी सीखते हैं, तो उसी के हिसाब से अपने को उनको सपोर्ट एंड गाइडेंस देनी है, यानी उनकी नीड्स और क्या क्या उनकी स्टाइल्स हैं सीखने के, समझ आया। तो दैट इज़ ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से अपन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, या फिर हम अपन ये सारी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन देने में, किस में, जब अपन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, समझ आई। तो ये आप सारा लिखोगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो बस शेयर भी कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप वगैरह में, ठीक है, ताकि सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कंटेंट क्वालिटी मिल रहा है तो बस शेयर करना नहीं भूलना है आप लोगों ने। अब देखो लिटरेरी अप्रिसिएशन क्या होता है, लिटरेरी अप्रिसिएशन। अब देखो लिटरेरी जो है ना ये कहीं ना कहीं फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम था लिटरायर, ठीक है, लिटरायर था एक वर्ड फ्रेंच, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रिटन वर्क यानी रिलेटिंग टू लिटरेचर, और लिटरेचर क्या होता है, एक रिटन वर्क। अब एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है गुण और दोष की विवेचना करना, यानी अपना जो भी लिख रखा है ना, जैसे किसी ने कोई प्रोज लिखी, कोई पोइम लिखी, क्या करा, कोई पोइम लिखी, अपने को ना उसको समझना है कि इधर ना जो अथर है या पोइट है उसका कहने का मतलब क्या है, उसका स्टाइल क्या है, ठीक है, मेन आइडिया क्या है, किस चीज़ के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो, और फिर उसी के बेस पे आपको एक क्रिटिकल जजमेंट देना है, यानी उसको समझना है, समझ आया। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी वर्क, यानी अपने आप को समझना है, अपने आप को समझने की क्षमता जो होती है किसी के अंदर, कि समझना कि ये जो अपन कंटेंट पढ़ रहे हैं या ये जो किसी ने लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या है और इसका महत्व क्या है किसी भी लिटरेरी वर्क का। इट इन्वॉल्व्स द एडमायरेशन ऑफ इस्टीम, ऑनर, रेस्पेक्ट, ब्यूटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स।
समझ आएगी कि एडमायरेशन करना यानी प्रशंसा करना किसकी, कि इसके अंदर किस चीज़ के बारे में हो रहा है, इस चीज़ की ब्यूटी के बारे में, किस चीज़ की ब्यूटी, जैसे पोईम है कितने अच्छे तरीके से लिखी हुई है, ठीक है, समझ आई। एंड कम्प्लेक्सिटी जो यानी जिस तरीके से वहाँ पे चीज़ें डिपिक्ट करी हुई हैं उन सभी को समझना, इसी को अपन लिटरेरी अप्रिसिएशन कहते हैं। और ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, क्या होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग यानी पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग समझना एंड मेकिंग अ क्रिटिकल जजमेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ को पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना। अब चीज़ क्या आ जाएगी यहाँ पे, चीज़ आ जाएगी अपना लिटरेरी वर्क आ जाएगा, यानी कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट आ जाएगा, उसके ऊपर एक क्रिटिकल जजमेंट देना, ठीक है, ऑफ दी उसके स्टाइल के बारे में, इमोशंस के बारे में अगर बात हो रही है, इनसाइट यानी जो क्या दर्शाना चाहता है वो, और थीम जो मेन आइडिया है, और यूज़ ऑफ सेवरल जो फिगरेटिव एंड नॉन फिगरेटिव लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, ठीक है, या फिर अपन जो भी एक्सपीरियंस करते हैं या फिर उस पर जो भी एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं, कन्वे किए गए हैं डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट के द्वारा, वर्क के द्वारा, या फिर जो ऑथर के द्वारा बताया गया, उसको समझना, समझ आई। तो उसी के बारे में बाद में एक जजमेंट देना कि आपका क्या व्यू है, आपके अंदर क्या क्या इमोशंस, क्या क्या थॉट्स डेवलप हुए आफ्टर रीडिंग दिस, समझ आई। इसी को अपन कहते हैं लिटरेरी अप्रिसिएशन, कि कंटेंट अच्छा था, क्या इसका मोटिव था, क्या ये हमसे कहना चाहता था, कौन कौन से यहाँ पे लिटरेरी डिवाइसेस यानी मेटाफर सिमिली आपने पढ़ा होगा, क्या होता है ये, उनका उपयोग किया गया है और क्या दर्शा रहे हैं वो, ठीक है, करेक्टर कौन है, करेक्टराइजेशन भी होता है। और जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा ना, क्या वो जो प्रोज एनालिसिस वाला, वो देख लो एक बार, आपको समझ आ जाएगी, सिमिलर टू दैट है ये, ठीक है। अब देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑफ अ लिटरेरी वर्क ऑफ अदर्स, जैसे पोइम प्रोज हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, इनके बारे में आपको क्या करना होता है, यानी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, समझ आई, कि आप जो है वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो छोटे छोटे हिस्सों में, देन आपको एनालिसिस कर रहे हो उस चीज़ का। एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी किस किस चीज़ का अपन लिटरेरी अप्रिसिएशन करते हैं, तो देखो प्लॉट होता है, प्लॉट मतलब जो भी उसमें चीज़ के बारे में बताया गया है, यानी जो सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है इवेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क में। आपने देखा होगा कोई भी प्रोज होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको बता दिया, कोई एक प्रोज बता दो बाहुफाट वाली, जैसे, ठीक है, एक मिनट, आज ना मेरे से लिखा भी गंदा जा रहा है। देखो क्या है, आपने पढ़ी होगी प्रोज, पढ़ी होगी कौन सी, बाहुफाट पढ़ी, ठीक है, उसमें क्या होता है, डायरेक्टली बाहुफाट के बारे में आ जाता है क्या, नहीं, शुरू में आता है कि बाहुफाट वाज बिल्ट बाई राजा बाहुलोचन आज से 3000 साल पहले, ऐसे करके आता है, फिर ये चलता रहता है सीक्वेंशियल स्टेप्स, चलता रहता है तवी के किनारे है, ठीक है, और ये तब बनाया गया था, ऐसे सो ऑन, और इसके बारे में लिखा जाता है कि वहाँ पे बाबे वाली काली माता भी है, ऐसे करके बताते हैं ना। तो ये जो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है इसी को प्लाट कहते हैं अपन। थीम मतलब जो मेन आइडिया है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो लिटरेरी वर्क, वो आ जाएगा इसका, मतलब कौन सा मेन आइडिया जो है वो डिपिक्ट कर रहा है, कौन सा मैसेज कन्वे कर रहा है। स्टाइल मतलब कौन जो अरेंजमेंट है, ठीक है, किसका, जो भी लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें, ठीक है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, वे इन विच लैंग्वेज वर्क इज रिटन। और लास्ट में आ जाएगा मूड, कि मूड बता रहा है कि फीलिंग जो, मतलब हमें जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको, तो ये जो स्टोरी है अपने अंदर कौन सा जो है वो फीलिंग डेवलप कर रहा है, ऐसे बता देना, कि जो एटमॉस्फेयर क्रिएटेड किया जाता है बाई किसके द्वारा, राइटर के द्वारा क्रिएट किया गया फॉर रीडर के लिए। जैसे अगर कोई इमोशनल स्टोरी होगी तो आपके अंदर भी आपको अंदर भावना आ जाती है ना, उत्पन्न हो जाती है ना भावना, कि अच्छा ये इतनी सैड स्टोरी है, ठीक है। जैसे आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी माई डायरी करके, एक प्रोज है अगर पढ़ा होगा, तो वो एनी की बुक है, उसने लिखी थी, ठीक है, एनी बसंत थी एक, और आपने शायद सुना होगा, उसमें उसकी डायरी होती है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखती है क्योंकि उसका दोस्त नहीं होता कोई, तो उसमें ना वो जो प्रोज है उसमें ये बताया हुआ है, इमोशन डेवलप हो जाते हैं कि वो अकेली होती है, ठीक है, इससे क्या करती है, वो डायरी को अपना फ्रेंड मानती है, शायद एनी उसका डायरी का नाम था शायद, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है वो कि मूड क्या होता है, कि क्या फीलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो राइटर जो है वो क्रिएट कर रहा है फॉर रीडर के लिए, ठीक है। इसमें इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कोई दुख दर्द आ जाता है, ठीक है, कोई मॉरल वैल्यूज आ जाती हैं, कोई एथिकल वैल्यूज यानी नैतिकता के भाव आ जाते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक एक आपका वो करके प्रोज है, प्लास्टिक का डिजास्टर, तो उसमें आपके अंदर कौन सी भावना आएगी, इमोशन आएंगे क्या, नहीं आएंगे, उसके अंदर अपने अंदर मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज जो वो डिपिक्ट कर रहा है, समझ आई। यानी मूड क्या है, एथिकल एंड मॉरल, यानी अपने को ना अपने अंदर नैतिकता की भावना पैदा करनी है, कि जियो और जीने दो, अपन प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं और ये डिग्रेड कर रहे हैं हर एक चीज़ को, फिश उसको जैसे पानी में गया, प्लास्टिक पानी में गया, फिश ने खाया, फिश जो है वो मर जाएंगी,
बाहर फेंका, अगर जानवरों ने खाया जानवर मर जाएंगे। तो अपने को ना नैतिकता और मॉरल जो वैल्यूज़ हैं उनका भावना जो है वो प्रकट करता है अथर, तो उसी को अपन मूड कहते हैं। अब लिटरेरी एडवाइसेस वही आ गया, मेटाफोर सिमिली ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो स्किल डेवलपमेंट क्या क्या होती है अपने अंदर जब अपन क्या करते हैं लिटरेरी अप्रिसिएशन करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक डिटेल जो है वो क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे थे, है ना। तो इससे क्या क्या स्किल होगी, आपकी स्पीकिंग स्किल बढ़ेगी, यस बढ़ेगी जब अपन पढ़ेंगे इसको। एनालिसिस, यस एनालिसिस मतलब विश्लेषण कर पाओगे, आप एनालाइज कर पाओगे कि ये क्या कहना चाहता है हमसे। इंटरप्रेट कर पाओगे, यस कर पाओगे, आप बाद में डिसीजन भी ले पाओगे कि इनका मेन कहने का मोटिव क्या था। राइटिंग कर पाओगे, यस कर पाओगे, आप लिखोगे भी तो ना, जो आप चीज़ें कंक्लूड करोगे उनको लिखोगे भी तो ना। अब आर्ट कला आ जाएगी आपके अंदर, कला ही होती है ये चीज़ों को एनालाइज। इतना बड़ा पैराग्राफ आपको दे दिया मैंने, चार पेज की एक प्रोज दे दी, आपको उसको एनालाइज करना है, तो कला तो होगी ना आपके अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, यस होगी, मतलब यहाँ पे अथर ने ये क्यों लिखा होगा, समझ आई, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, यस होती है, जो जिस जिस टाइप का वो मूड डिपिक्ट कर रही है, कौन हमारी प्रोज पोइम जो भी शॉर्ट स्टोरीज हैं। स्किल ऑफ एक्सप्रेशन, यस आप एक्सप्रेस भी कर पाते हो बाद में, ठीक है, कर पाते हो कि नहीं, पर कर पाते हो जब आप पढ़ोगे, ठीक है, जब आप इसका अप्रिसिएशन करोगे एनालिसिस करोगे तो आप एक्सप्रेस भी तो कर पाओगे, हाँ इस प्रोज के अंदर ऑथर जो है वो हमसे ये कहना चाहता है। मोटिवेशन बिल्डअप होगी, यस होगी। जब देखो मोटिवेशन दो तरीके से हो सकती है, एक तो जैसे कि आपको एनालिसिस करना अच्छे से आता है तो जब आप किसी को डिपिक्ट करोगे तो आप प्रॉपरली जो है वो एक्सप्लेन कर पाओगे, तो अपने अंदर भी आपको ना एक अभिप्रेरणा की भावना मिलेगी, नहीं यार मैं यहाँ पे इतना बेस्ट किया है तो मैं और ज़्यादा बेस्ट कर सकता हूँ, समझ आई। थिंकिंग सोच तो आएगी, परसीविंग यानी परसीव करना किसी चीज़ को आप कैसे नज़रिए से देखते हो, है ना। उसके बाद रिमेंबरिंग हो जाएगा, एक्वेशन ऑफ वोकैबुलरी, वोकैब भी तो आपका बढ़ेगा, यस इमोशनल ग्रोथ भी होगा। तो वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो सुजेस्टोपीडिया, सुजेस्टोपीडिया क्या कहता है, देखो सुजेस्टोपीडिया ना कुछ नहीं कहता, ये एक अप्रोच थी, एक मेथड था पढ़ाने का। इन्होंने बोला कि अपने को अगर न्यू लैंग्वेज किसी को पढ़ानी है तो अपने को ना कन्वेंशनल मेथड नहीं यूज़ करना, अपने को ना कौन सा मेथड यूज़ करना है, ऐसा मेथड यूज़ करना है कि जिसमें इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को ना बोर्डम फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला अपने को ऐसा मटेरियल यूज़ करना है जो सेंसरी रिच हो, सेंसरी रिच मतलब सेंस ऑर्गन होते ना हमारे जिसको अपन परसीव कर सकें, यानी जैसे देखो सबसे पहले इसको डेवलप किसने करा, याद रखना जॉर्जी लेजो लोजानोव 1970 के अंदर, और इन्होंने कहा कि अपने को अगर फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है ना तो उसके लिए अपने को सुजेस्टोपीडिया अप्रोच का यूज़ करना है, समझ आई, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब था कि अगर अपन इस अप्रोच से लैंग्वेज सीखते हैं ना तो अपन 5 to 6 टाइम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं कन्वेंशनल मतलब जो पुराना तरीका होता है सीखने का, समझ आई। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है, अ मेथड ऑफ टीचिंग बेस्ड ऑन न्यू यानी इनोवेशन, यानी न्यू तरीके से एक टीचिंग करने का तरीका है या लर्निंग की अप्रोच है किसी भी आइडिया को, हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड वी लर्न इफेक्टिवली, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द लर्निंग बाय यूजिंग सेंसरी रिच मटेरियल, वही बता दिया मैंने, यानी जिनको अपन परसीव कर सकते हैं बाय यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अपन मेथड यूज करते हैं, जैसे ड्रामेटाइजेशन हो गया, टेक्स्ट्स हो गए, म्यूजिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसमें, और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन सॉन्ग्स गेम्स एटसेट्रा, यानी इन सारी चीज़ों का उपयोग करके बच्चे को सिखाना है एकदम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे से, और वो ज़्यादा सीखता है। ये किसने कहा था, जॉर्जी लेजा लोजानोव ने, ठीक है। अब देखो लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इमिटेशन होता है, इमिटेशन क्या होता है अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर, रोल प्ले, लिसनिंग एक्टिविटीज़ एटसेट्रा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये लिखना है कि इस तरीके से अपन सीखते हैं। इमिटेशन होता है नकल करना, समझ आई, नकल करना, क्वेश्चन आंसर पूछ के रोल प्ले हो गया और लिसनिंग एक्टिविटीज़ होगी यानी सुनकर। फीचर्स क्या थे ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये लिखने हैं, ठीक है, ये ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना कर लेना बस, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब ये कहते हैं कि अपना इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, ठीक है। और ये चावर्स नहीं होगा, यहाँ पे चेयर्स होगा, कि अपने को ना चेयर्स जो है वो अरेंज करनी है ऐसे सेमी सर्कल में ऐसे करके, ठीक है। और आगे क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा अपना, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड रहेगा, ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो ज़्यादा एकदम अट्रैक्टिव तरीके से जो है वो या इंटरेस्टेड तरीके से देखें चीज़ों को।
उसके बाद म्यूजिक का यूज़ करना है अपने को, ठीक है। पेरिफेरियल लर्निंग क्या होती है? पेरिफेरियल लर्निंग पता क्या होती है? ये अलग से है, ये यूज़ ऑफ म्यूज़िक अलग से है और पेरिफेरियल लर्निंग अलग से है। अब देखो पेरिफेरियल लर्निंग क्या होती है, जब अपन स्कूल के अंदर जाते हैं, एक तो अपन को क्या होता है डायरेक्ट लर्निंग होती है। डायरेक्ट लर्निंग जैसे क्लास के अंदर टीचर आया, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करा, ठीक है, प्रोजेक्टर का यूज़ करा, व्हाइट बोर्ड का यूज़ करा, अपने को पढ़ाया, ठीक है, अपन ने सीखा, वो हो गया अपना डायरेक्ट लर्निंग। एक तो होता है अपना पेरिफेरियल लर्निंग या इनडायरेक्ट लर्निंग कह सकते हो आप। इसमें क्या होता है, देखो दीवार के अंदर अगर कोई पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है अब्दुल कलाम जी का, उनका कोट लगा हुआ है, आपने पढ़ा वो, ठीक है, कोटेशंस लगे हुए हैं या फिर इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स लगी हुई हैं, कोई हिस्टोरिकल इवेंट की डेट्स लगी हुई हैं, चार्ट लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, आप उससे भी कुछ सीखते हो, तो ये क्या होती है अपनी पेरिफेरियल लर्निंग। समझ आया? जैसे पोस्टर वॉल्स के ऊपर एटसेट्रा अलॉन्ग विद डायरेक्ट लर्निंग, डायरेक्ट लर्निंग वही आ गया जो मैंने आपको बताया, जो आप यहाँ पे सीखते हो, जो टीचर पढ़ाते हैं आपको। एंड चेंज पोस्टर्स एवरी डे विद न्यू थिंग्स, यानी जो पोस्टर लगे हुए हैं इनको हर दिन जो है वो आपको चेंज करना है। जैसे पहले दिन आपको यहाँ पे मैथ का चार्ट लग गया, पोस्टर लग गया, दूसरे दिन कोई साइंस का इवेंट का लग गया, जैसे कोई हिस्टोरिकल साइंस डेट होगी, जैसे हमारा साइंस डे हो गया नेशनल, जो कि मनाया जाता है सी वी रमन, आपको पता है, ठीक है, 28 फरवरी को, तो उसके बारे में वहाँ पे इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से बच्चे को और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इंटीग्रेट करना है अपने को पढ़ाते समय म्यूजिक ड्रामा आर्ट इन लर्निंग प्रोसेस, ये वही आ गया। और लिमिटेड होमवर्क देना है बच्चे को ताकि बच्चा कंफर्टेबल फील करे, घर पे जाके आराम से सोए और दूसरे दिन जो है वो एकदम फ्रेश माइंड के साथ जो है वो स्कूल में आए। समझ आई? तो ये अपने इसके कुछ फीचर्स थे जो कि सुजेस्टोपीडिया कहता है कि अपने को ऐसा करना है। अब स्टेजेस क्या होती थी सुजेस्टोपीडिया की? अपनी पहली रहती है प्रेजेंटेशन, या जिसको अपन प्रिपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, यानी प्रिपरेशन स्टेज। इसमें अपने को बच्चे को सबसे पहले तो फील रिलैक्स करवाना है, ठीक है, माइंड बॉडी एटसेट्रा, कि पढ़ाने से पहले। फिर आ जाता है एक्टिव कंसर्ट, यानी अभी अपन को करेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे जो भी अपन पढ़ाना चाहते हैं। फिर आता है पैसिव कंसर्ट, अब फिर से जब पढ़ा दिया बच्चे को अगेन अपने को फील करवाना है रिलैक्स, और उसको कुछ थोड़े से जो म्यूजिक होते हैं वो वगैरह सुनाने हैं, और प्रैक्टिस करवानी है लास्ट में, यानी गेम्स पजल का यूज़ करो ताकि बच्चा जो है लर्निंग को और ज़्यादा मजबूत बना दे। बस ये इसकी स्टेजेस होती है, ये आपको लिख के आ जाना है। समझ आया? तो इससे सरल भाषा में आपको इसका कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके बाद देखो रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं होगा टेस्ट्स, ठीक है। तो अपन टेस्ट किस लिए यूज़ करते थे आप मुझे बताओगे? अपन टेस्ट यूज़ करते थे इवेल्यूएशन के लिए या फिर असेसमेंट के लिए, करते थे कि नहीं करते थे? करते थे जनाब, AWSEWSMENT, ठीक है। तो असेसमेंट के लिए अपन यूज़ करते थे। अब क्या होता है कि अपने को कोई भी टेस्ट है ना, उसकी देखनी है कि वैलिडिटी कितनी है इसकी, रिलायबल है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसके लिए अपने को उसका रिव्यू करना पड़ेगा। अब टेस्ट क्या होता है? तो सबसे पहले आप टेस्ट की डेफिनेशन लिखोगे। टेस्ट मीन्स एग्जामिन द नॉलेज, ठीक है, एग्जामिन द नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी ऑफ अ लर्नर, उसको जो है वो एग्जामिन करना, यानी उसका पता लगाना कि उसके पास कितना ज्ञान है, कितनी उसके पास कौशल है और उसकी क्षमता कितनी है लर्नर की, उसके बारे में पता करना, उसी को अपन टेस्ट बोलते हैं। और ये एक प्रक्रिया होती है टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्टिंग समथिंग इन समवन, मतलब किसी के अंदर किसी चीज़ को या किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसका पता लगाना, उसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं टेस्ट। क्या बोलते हैं अपन? टेस्ट। टेस्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना, आपको पता है। अब देखो इसी को अपन ऑल्सो नोन एज द प्रोसेस टू एग्जामिन एंड मेजर व्हाट कैंडिडेट्स नो अबाउट समथिंग, मतलब कोई बच्चा किसी चीज के बारे में कितना जानता है, उसके बारे में एग्जामिन करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेस्ट। अब टेस्ट रिव्यू क्या होता है? अपन ने कुछ बनाया होगा ना, बच्चे ने कितना सीखा, उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने कुछ ना कुछ बनाया होगा, कुछ क्वेश्चनेयर हो सकता है, ठीक है। तो अपन जो क्वेश्चनेयर बनाया है ना, उसको एनालाइज करना है कि जो बनाया हुआ है ना, देखो एनालिसिस करना है, उसका विश्लेषण करना है। विश्लेषण किस किस लिए करना है? उसका देखना है कि वो कितना अफेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, क्या जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा है क्या वो उसको अचीव कर पाएगा। समझ आया? जो अपन ने टेस्ट बनाया है क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव, जो भी सेट गोल है, उसको अचीव कर पाएगा। कहने का मतलब देखो, जैसे मुझे बच्चे के अंदर अवेल्यूएट करना है, क्या अवेल्यूएट करना है कि उसके अंदर राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, तो इसके लिए अपन कुछ टेस्ट तैयार करेंगे।
उसको कुछ लिखने को देंगे। ये जो अपन उसको लिखने को दे रहे हैं ना टेस्ट, कि इस पे टॉपिक पे तुम टेस्ट जो है वो ऐसे लिखो या कुछ भी करो, ठीक है, वो देखेंगे कि वो जो टेस्ट बनाया हमने वो कितना इफेक्टिव है और कितना एफिशिएंट है, उसी के एनालिसिस को अपन बोलते हैं टेस्ट रिव्यू। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, कि क्या ये टेस्ट जो हमारा गोल है, अब हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने की अपने को बच्चे की राइटिंग स्किल देखनी है कि कितनी अच्छी है। अब देखो रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट, क्या बोलता है, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट मीन्स असेसिंग द इफेक्टिवनेस वैलिडिटी प्रैक्टिबिलिटी प्रैक्टिकलिटी ऑफ द टेस्ट फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस। वही आ गया, जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके लिए किसी भी टेस्ट की इफेक्टिवनेस कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, प्रैक्टिकलिटी कितनी है, प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकेबिलिटी लिख दो यहाँ पे चलेगा, ठीक है, कि वो प्रैक्टिकली वहाँ पे वैलिड है भी या नहीं, उसको अपन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इफेक्टिवनेस कितना प्रभावी है, वैलिड है कि नहीं है। समझ आया। उसके बाद इसी को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं कि रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट, ठीक है, यानी असेस करना, उसका पता करना या एनालिसिस करना उसी चीज़ के बारे में। उसके बाद देखो की एस्पेक्ट क्या होते हैं, कि अपन क्या क्या देखते हैं, किस किस चीज़ का जो है वो रिव्यू करते हैं, जब अपन रिव्यू करते हैं तो किस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पर्पस, देखते हैं टेस्ट का, समझ आई, कि जो अपन टेस्ट बना रहे हैं इसका पर्पस क्या है, ठीक है, तो इसका क्या होता है कि मेजर करना नॉलेज स्किल एबिलिटीज एटीट्यूड जो भी पर्टिकुलर स्किल आपको असेस करनी है, एंड इंश्योर दी टेस्ट अलाइन विद दी इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, और इंश्योर करना, दिलासा दिलाना यानी विश्वास दिलाना कि ये जो टेस्ट है क्या ये हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से है या नहीं, मतलब उसी के हिसाब से है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया मुझे राइटिंग स्किल जो है वो असेस करनी है, तो क्या ये वो कर पाएगा कि नहीं, उसी के हिसाब से है कि नहीं। वैलिडिटी मतलब इवेल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट, वैलिडिटी के अंदर आ जाता है जैसे क्राइटेरियन वैलिडिटी, यानी जो अपन ने क्राइटेरिया रखा था क्या उसके हिसाब से है, कंटेंट के हिसाब से है, वेदर इट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, यानी जैसे ये करता है, क्लेम करता है ये टेस्ट जो है, ये बोल देगा कि अपन ने उसके अंदर ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि बच्चे की राइटिंग स्किल को असेस कर लेंगी, तो क्या ये सच्ची में करेगा कि नहीं करेगा, इसी का मतलब वही हुआ कि वेदर इट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, मतलब ये जो क्लेम करता है कि मैं मेजर कर लूँगा क्या ये कर पा रहा है या नहीं या कर पाएगा या नहीं। समझ आया, रिलायबल आया, रिलायबिलिटी होती है कि रिलायबल है या नहीं, ट्रूनेस जिसको अपन बोल सकते हैं, फेयरनेस वही आ गया, कहीं ब्यास तो नहीं है उसमें, ठीक है, ब्यास तो नहीं है उसमें, तो इसका कहने का मतलब है कि एबसेंस ऑफ ब्यास होना चाहिए, मतलब उसमें ब्यासनेस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कल्चरल रेलिवेंस होनी चाहिए यानी अकॉर्डिंग टू द नीड के हिसाब से, अथेंटिकिटी वही आ गया, अथेंटिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस तरीके से तैयार करना है कि जो भी क्वेश्चन या टास्क अपन उसमें टेस्ट में पूछ रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड सिचुएशन की, बच्चे की रियल लाइफ के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, कि ऐसे पूछ दिए कोई मनगढ़ंत क्वेश्चन, ठीक है, कंटेंट के रेलिवेंट के हिसाब से है या नहीं, लर्नर के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से है या नहीं, समझ आई, और एप्लीकेबिलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी वही आ गया, ठीक है, मतलब क्या उसको अप्लाई कर सकते हैं अपन यहाँ पे, कि उस सिचुएशन के अंदर उसको अपन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फीडबैक मतलब क्या ये जो अपन टेस्ट यूज़ कर रहे हैं इससे क्या बच्चे को फीडबैक मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस का कि नहीं, वो अपने को देखना होता है, इसी को अपन बोलते हैं, यानी ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं जब अपन रिव्यू करते हैं किसी भी एक टेस्ट का। समझ आई, तो असेस वेदर द टेस्ट प्रोवाइड मीनिंगफुल फीडबैक टू द लर्नर या इंस्ट्रक्टर, ठीक है, अब दोनों को मिलेगा, यहाँ पे दोनों को मिलेगा ना, अगर बच्चा परफॉर्म अच्छा करता है, जैसे उसने 40 में से 39 नंबर लेके आ गया वो, तो इससे क्या होगा, बच्चे को भी पॉजिटिव फीडबैक मिल जाएगा, इंस्ट्रक्टर को भी मिल जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो 40 से मैं से 10 नंबर लेकर आ रहा है तो क्या होगा, टीचर को भी फीडबैक मिलेगा इंस्ट्रक्टर को कि तुमने इसको कैसा सिखाया, ये तो कुछ कर ही नहीं पाया। समझ आई, अब देखो लास्ट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और ये आपको लिख के आनी है, ठीक है, कहता है कि क्या कहता है, द रिव्यू ऑफ द टेस्ट इनेबल टू असेस द की एस्पेक्ट्स ऑफ अ टेस्ट एंड हेल्प एजुकेटर्स एंड इवेल्युएटर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर सिलेक्शन अडॉप्टेशन अपडेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट टेस्ट टू इफेक्टिव मेजर द सीजन। देखो जब अपन ये करते हैं ना रिव्यू, तो अपन ने ये सारी चीज़ें जब देख ली, अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड है, अगर ये सारी चीज़ें कोई भी टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट मीन्स अपन उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी अगर अपन रिव्यू करते हैं टेस्ट का, तो ये अपने को
योग्य बनाता है, यानी जो भी हमारे क्या हैं एजुकेटर हैं या फिर जो भी हमारे इवेल्यूएटर्स हैं उनको ये इतना काबिल बनाता है कि हाँ तुम इसको सिलेक्ट कर सकते हो, तुम इसको अडाप्ट कर सकते हो, अगर कहीं पे अपडेट करने की ज़रूरत है तो तुम उसको अपडेट कर सकते हो, ठीक है, और एक अफेक्टिव जो है वो टेस्ट बना सकते हो ताकि जो बच्चे की लर्निंग परफॉर्मेंस है या फिर उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनको तुम असेस कर पाते हो, समझ आ रही, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं, ठीक है, यानी उनको इनेबल कर देता है ये, अगर हमारा अच्छा टेस्ट होगा तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, समझ आई, तो ये अपन सारी चीज़ें देखते हैं और इसी के साथ अपना हो जाता है ख़त्म, और इसी के साथ लास्ट लेता है, कोई बात नहीं अभी जल्दी खत्म होगा ये। देखो वोकैबुलरी इनरिचमेंट बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज आपके सिलेबस में है, ठीक है, और ये इसमें है कि जब अपन शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, एक दूसरा टॉपिक भी आपके साथ इसमें कि जब अपन लेटर लिखते हैं ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दो टाइप के लेटर होते हैं हमारे वैसे भी आपको पता है, ठीक है, एक तो फॉर्मल होते हैं दूसरे इनफॉर्मल होते हैं, INFORMAL, ठीक है, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल जब अपन लेटर लिखते हैं तो उससे कैसे वोकैब बढ़ता है हमारा, और दूसरा हमारे सिलेबस में है कि वोकैबुलरी इनरिचमेंट बाई राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। अब देखो यहाँ पे जब अपन शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, किस पे लिखो, आपके आपके किसके बारे में, आप कहीं गए थे और वहाँ पे आपने कुछ देखा, ठीक है, क्या देखा आपने, कहीं पे आप गए थे फॉर एग्जांपल और वहाँ पे एक मेला हो रहा था, क्या था, मेला लगा हुआ था, आपको उस पर एक स्टोरी लिखनी है। अब मुझे ये बताओ आपके अंदर क्या यहाँ से वोकैब डेवलप होगा कि नहीं होगा, सर एब्वियसली होगा, एकदम से होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, और जब अपने को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा तो अपने को कुछ वर्ड मीनिंग सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए मेले के बारे में लिखना है, और कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी, कुछ वोकैब तो आपको ऑलरेडी आता होगा और कुछ आपको नया सीखना पड़ेगा, तो आपका वोकैब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यस सर बढ़ रहा है, तो बस यही तो है। तो राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज इनेबल लर्नर टू इनरिच देयर वोकैबुलरी इन एन इफेक्टिव वे एज इट फॉलोज, लर्नर टू इंगेज विद लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट एंड प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन मीनिंगफुल वेज, समझ आई, कि जो अपन कोई भी लर्नर है अगर वो राइटिंग करता है यानी शॉर्ट स्टोरीज को लिखता है तो उससे उसकी वोकैब बढ़ती है एक प्रभावी तरीके से, क्योंकि ये अलो करता है, आज्ञा देता है लर्नर को कि तुम इंग्लिश में या लैंग्वेज राइटिंग में इंगेज रहो और तुम जो है वो किसी कंटेक्स्ट में यानी किसी के संदर्भ में लिखो, यही आ गया। अब यहाँ पे आप फेयर के संदर्भ में लिखोगे कि मेले के संदर्भ में लिखनी है अपने को चीज़ें, ठीक है, और प्रैक्टिस एंड यूजिंग न्यू वर्ड्स इन मीनिंगफुल वे में, ठीक है। अब आप इसका प्रॉपर मीनिंग अगर आपको डिपिक्ट करना है तो आपको प्रॉपर वर्ड लिखने पड़ेंगे और फिर आपको नए वर्ड सीखने पड़ेंगे, वही लिखा है कि कैसे कैसे अपन जो है वो हेल्प करता है ये टू इनरिच वोकैबुलरी, क्या, राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, तो कंटेक्चुअल राइटिंग वही आ गया, ठीक है। कंटेक्चुअल राइटिंग क्या होता है कि अपन जो है वो किसी के संदर्भ में चीज़ें लिखते हैं यानी किसी के कंटेक्स्ट में, जैसे कोई नेचुरल सिचुएशन दे दी आपको तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यू वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, उसको करैक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए सेटिंग्स को, एक्शन इमोशन जो भी आपने वहाँ पे फील करा उसको अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो अपने को न्यू वोकैब यूज़ करना पड़ेगा, और जब अपने को न्यू वोकैब यूज़ करना पड़ेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नया वोकैब अपना डेवलप होएगा, समझ आया। अब देखो एक्टिव इंगेजमेंट यानी क्राफ्टिंग सेंटेंसेस रिक्वायर न्यू वोकैब, जब अपन कोई नया सेंटेंस बनाते हैं तो अपने को नया वोकैब चाहिए, इससे भी अपना वोकैब बढ़ेगा। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जैसे कि आपको अपनी इच्छा के अनुसार कोई टॉपिक चूज़ कर लिया आपने, समझ आई, बच्चे की इच्छा के अनुसार आपने टॉपिक यानी बच्चे ने अपनी इच्छा के अनुसार कोई टॉपिक चूज़ कर लिया, किस लिए, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग करने के लिए, तो उसको क्या होगा, इच्छा से तो चूज़ कर लिया, अब वहाँ पे भी तो कुछ लिखना है ना उसको, तो जब लिखना है उससे भी क्या होगा, न्यू वोकैब डेवलप होगा कि नहीं, यस होगा। तो ये जो स्टेप है ना, ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको ब्लैक कलर के या ब्लैक फॉन्ट में, ये आपको लिखने हैं, एक्सप्लेन तो आप कर लोगे। अब क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कोई चीज आपको क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करनी है तो आपको क्या होगा, क्रिएटिव वोकैब यूज करना पड़ेगा। तो अलो टू एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज एंड दस हेल्प्स इन लर्निंग न्यू वोकैब, समझ आई। जब अपने को कोई नई चीज़ क्रिएटिव तरीके से एक्सप्रेस करनी होगी तो नया वोकैब यूज़ करना होगा, कुछ ऐसी टर्म्स यूज़ करनी पड़ेंगी जिससे क्या हो जाए, रीडर जो है वो एकदम अट्रैक्ट, इंटरेस्ट, मोटिवेट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप हो जाए। तो उसके लिए अपने को क्रिएटिव भी लिखना पड़ेगा ना, तो सिंपल भाषा में तो चलेगा नहीं काम। अब आ जाएगा फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, ये आ गया फीडबैक, जैसे आपका क्या हुआ, रिफ्लेक्शन होगा ये, RFLECTION, ठीक है।
RELECTION। अब देखो क्या हुआ, आपने जो है वो एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, क्या करा आपने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, क्या करा शॉर्ट स्टोरी लिखी, शॉर्ट स्टोरी लिखी। अब क्या हुआ, जब रीडर ने पढ़ा, ठीक है रीडर ने पढ़ा, तो आपको ना एक फीडबैक मिला कि आपको ना यहाँ यहाँ एरियाज पे आप ये इसको अच्छा कर सकते थे। तो जब आपको फीडबैक मिला तो आप क्या करोगे, हाँ आप बोलोगे कि हाँ ये जो मैंने टर्म यहाँ पे यूज़ करी हैं, वर्ड्स यूज़ करे हैं, तो मैं इनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता था, अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकता था। उसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नई वर्ड सीखने पड़ेंगे, वोकैब सीखने पड़ेंगी, तो उससे भी आपका जो है वो इम्प्रूवमेंट होगा। समझ आया, समझ आया, तो इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझ आएगा अगर ये भी नहीं समझ आया तो। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, यानी अपने को जब भी लिखना है ना तो सारी स्किल्स का उपयोग करना है। समझ आई, मतलब जब आप लिखते हो तो एक सेंस में लिखते हो ना, ऐसे थोड़ी ना लिखते हो कि आपका कोई सेंस ही ना बने, नॉन सेंस की तरह थोड़ी ना लिखते हो, तो सेंस में बननी चाहिए। तो सेंस बनाने के लिए आपको सारी स्किल्स का उपयोग करना पड़ेगा, कि जब रीडर के हिसाब से तो लिखना है आपको, प्रॉपरली लिखना है ताकि रीड जो है वो जो भी रीडर है वो प्रॉपरली उसका जो भी मैसेज है जो आप कन्वे कर रहे हो वो उसको आसानी से ग्रैस्प कर सके। एंड फिक्शियस शॉर्ट स्टोरीज राइटिंग, फिक्शियस क्या होती हैं, बनावटी, बनावटी कहानियाँ, भूतिया कहानियाँ, सुना होगा आपने। तो क्या भूत वाली कहानियाँ सच्ची होती हैं, कहानी होती हैं, ठीक है। तो अगर ये लिखनी है आपको, कोई स्टोरी बनानी है न्यू, यानी फिक्शियस लिखनी है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से सारे सेंटेंस फ्रेम करने पड़ेंगे। तो फ्रेम करने पड़ेंगे तो उसके लिए आपका वकैब भी लगेगा, तो उसके आपका वकैब भी बढ़ेगा। बस ये सारी चीज़ें आप लिख दोगे, समझ आई, तो इनको आप जितना मर्जी खींच सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ इतनी डाउट वाली बात नहीं है। और इसी के साथ अपना हो जाते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ख़त्म, समझ आया। तो ये सारे हो गए, एग्जिस्टिंग हो गया, वकैब एनरिचमेंट CC आपको बता दिया मैंने, लिटरेरी अप्रिसिएशन यहाँ पढ़ा दिया, स्कूल मैगजीन ऑलरेडी अपलोडेड है, लाइव मोर्चा हो गया यहाँ पे, स्कैफोल्डिंग हो गया, ठीक है। और इसी के साथ ये बचा है यूज़ ऑफ वेब 2.0 फॉर इनहांसिंग इंग्लिश, तो इसमें देखो मैं बता देता हूँ ओवरव्यू क्या करना है आपको। होता क्या, वेब 2.0 का मतलब क्या आ गया, मल्टीमीडिया का उपयोग करना, बस सिंपल। और कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, ये AV ADD आपको पता है ना, बस आपको मैनिपुलेशन भी तो आनी चाहिए चीज़ों की। और जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सारा ऐसे है, इंटरलेटेड है, ऐसा नहीं है कि यूनिक टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कोई यूनिक टॉपिक बीच में उन्होंने डाल दिया हुआ है, सारा एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, और मुझे आप टॉपिक बता देना अगर कोई टॉपिक है जिसका आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। और जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वो आपको पता है क्या करना है, चैनल को कर देना है अपना सब्सक्राइब, ठीक है। और बाकी मिलते हैं आपसे, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।